सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़ी खबर आ रही है 370 पर फारूक अब्दुल्ला की बदजुबानी पर। जी हाँ साहब, फारूक अब्दुल्ला की बदजुबानी पर अब कांग्रेस की तरफ से भी तमाचा मारा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में कांग्रेस और राहुल गांधी कब से दूध के धुले हो गए, जो कि फारूक अब्दुल्ला को चीन के मुद्दे पर तमाचा मार रहे हैं, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो 2008 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए से जा करके वहाँ जो इनकी पार्टी है जिससे जिनपिंग की, उनके साथ जाके पैक्ट साइन करते हैं कांग्रेस। तो आखिर ये कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है? तो साहब आइए दिखाता हूँ इस वीडियो में कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली पर बुरे फंसे फारूक अब्दुल्ला अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कैसे पलटवार किया है। और यहाँ पर आप खुद बताइए, देशद्रोही व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति जो चीन से कह रहा है कि चीन के मदद से हम 370 फिर से वापस बहाली करा जा सकता है। और चीन आज वही देश है जो हमारे लिए हमारे सैनिकों को पीठ पर छुरा घोंप रहा, देश के पीठ पर एक तरह से खंजर घोंप रहा है। 1962 में जो हुआ था, 1962 के वो बदले जो चीज़ें कर रहा था उसने, उसका अभी तक जख्म है, लेकिन इसका अब जवाब भारतीय सेना ने दिया है करार। चलिए ले चलता हूँ खबर की तरफ, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़कर आए हैं, थंबनेल पढ़ के आप थोड़ा हैरान हुए होंगे, क्योंकि आप हैरानी वाली बात ही थी। आप अगर इसमें थंबनेल में अगर ये पढ़ रहे हैं कि राहुल गांधी ने लिया यू टर्न, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपके दिल में जरूर आया कि चीन को लेकर राहुल गांधी यू टर्न कैसे ले सकते हैं। लेकिन साहब आइए बताते हैं, कहानी कुछ यूं है कि चीन की मदद के अनुच्छेद 370 के बहाली को लेकर के कांग्रेस एनसीपी के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान बीजेपी के बाद अब कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने भी पलटवार किया है। मनु सिंघवी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, चलिए आगे बताऊंगा मनु सिंघवी के बारे में, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के रिश्तों के बारे में, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस सारे पर उन्होंने बयान दिया है वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ा ही ऐसा विषय है कि जिस पे बयान देना, क्योंकि चीन को लेकर के कांग्रेस का पलटवार एक तरह से उसी प्रकार से है कि देश में कहीं ना कहीं देश में सब कुछ अमन शांति है, ये वही बात होगी। चलिए बताते हैं असल में क्या है। सिंघवी ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है और निंदनीय है। हालांकि एनसी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री को बयान को लेकर सफाई अभी तक नहीं दी गई है, और कहा गया है कि इस बात को लेकर मतलब जो है वो गलत निकाल गया। एनसी मतलब नेशनल कांग्रेस की तरफ से कभी भी यह बयान वक्तव्य नहीं जारी किया गया है, सिर्फ यही कहा गया कि इस बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अब आप खुद बताइए, बयान ये था कि कश्मीर से जो चीन की मदद से हम अनुच्छेद 370 की बहाली कर लें, यही भारत के लिए अच्छा होगा। अब इसमें बताइए आप, इसमें हम शब्दों का जो तोड़ मरोड़ने की बात कहां से आ गई, जब आप खुले शब्दों में कह रहे हो कि हम चीन की तरफदारी कर रहे हो और चीन से कह रहे हो कि उससे मदद मांग लो, वो चीन जो हमारे देश के सैनिकों को ढेर कर रहा है, हमारे चीन के सैनिकों उनके हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन के हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है, माफ कीजिएगा शहीद कर रहा है वो हमारे सैनिकों को, और ये साहब कह रहे हैं कि उससे मदद मांग लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा कि राजनीतिक विचारधारा मतभेद मनभेद सब अपनी जगह पर है, लेकिन उस वक्त जब चीन हमारी सरहदों पर नापाक इरादों के साथ तैनात है, तब फारूक अब्दुल्ला का चीन के पक्ष में बयान देना केवल बेहद गैर जिम्मेदार बल्कि निंदनीय भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात से इनकार किया कि अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि चीन के सहयोग से अनुच्छेद 370 बहाल किया जाए। भाजपा पर आरोप लगाया कि टीवी इंटरव्यू में टिप्पणियों की पूरी तरह से घुमा दिया गया है। पार्टी ने कहा अब्दुल्ला ने रविवार को दिए साक्षात्कार को कभी भी चुनाव विस्तारवादी मंशा या उसके उग्र रवैये के उचित नहीं ठहराया। मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या रिश्ता है मनु सिंघवी का राहुल गांधी और सोनिया गांधी, लेकिन आगे बताता हूं नेशनल एनसी का क्या बयान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा है, जो उसकी कहे हैं फारूक अब्दुल्ला के, उन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 5 अगस्त को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने का लोगों के गुस्से को उजागर कर रहे थे, और हाल ही में वो लगातार यह करते रहते थे कि उन पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बदलाव इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
फारूक अब्दुल्ला ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो कभी चीन के राष्ट्रपति को यहां नहीं बुलाया, वहां के वजीर आजम प्रधानमंत्री उन्हें गुजरात बुलाया, उन्हें झूले पर बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए और वहां भी खूब खिलाया, मगर उन्हें वह पसंद नहीं आया और उन्हें आर्टिकल 370 को कहीं ना कहीं लेकर उन्हें 370 के आर्टिकल को लेकर कहा कि हमें यह कबूल नहीं है कि जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे उन्हें इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल हो। अब समझिए ये लाइन उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि अल्लाह करें, ध्यान रखिएगा, अल्लाह करें, अगर यही बात प्रधानमंत्री मोदी बोल दी होती तो कहते वो तो राम का नाम ले लिए हैं, ये तो बहुत गलत है, लेकिन यही वो कह रहे हैं अल्लाह करें, ध्यान रखिए कि इस जोर से लोगों को मदद मिले और अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल हो। चीन हमारे ऊपर प्रेशर कर रहा है, चीन हमारे बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है और ये कह रहा है कि ये जो मार रहा है हमारे लोगों को, जो लड़ाई जो वहाँ पर बम गोले फेंक रहा है, उसका प्रेशर भारत सरकार पर बने और भारत सरकार अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल करे। अब ये बताइए इसमें हमने कौन से अपने शब्दों को फारूक अब्दुल्ला के मुँह में डाल दिए थे, उनके गले के अंदर, कि उनके गले के अंदर उसके जवान से ये बात निकल कर रहे हैं। आप खुद बताइए और खुद इस सवाल का आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ सही नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं आपको मनु सिंघवी के और राहुल गांधी के रिश्ते के बारे में, मनु सिंघवी को भी हाल ही में कुछ जो राजस्थान का मैटर हुआ था जहां सचिन पायलट को लेकर के कहासुनी चल रही थी, उसको लेकर के मनु सिंघवी ने कुछ बयान दिया था, उससे लेकर के उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन अभी तक वो पार्टी के प्रवक्ता के पद पर वहां पर थे और वहां पर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और वहां से ऐसा लग रहा था इससे वो मनु सिंघवी कहीं ना कहीं कांग्रेस और उनके पार्टी से इस समय अलग हैं, उनकी विचारधारा अलग हो गई है अब, लेकिन कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का यू टर्न, इसलिए मैंने कहा था कि राहुल गांधी के सही काफ़ी करीबी रहे हैं मनु सिंघवी, लेकिन राहुल गांधी के करीबी लोग भी अब यू टर्न लेने लगे हैं और करीबी लोग मनु सिंघवी हो गए, कोई भी बड़े बड़े नेता हो गए, वो सारे अब इस समय कहीं ना कहीं जो भी चल रहा है वो अब ठीक कांग्रेस के लिए एक तरह से नहीं है। तो ये है अभिषेक मनु सिंघवी का, एक बार फिर से मैं वो ट्वीट पढ़ दे रहा हूँ, उन्होंने कहा राजनीतिक विचारधारा मतभेद मनभेद सब अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जब चीन हमारी सरहदों पर नापाक इरादों के साथ तैनात है तब फारूक अब्दुल्ला का चीन के पक्ष में बयान न केवल बेहद गैर जिम्मेदाराना है बल्कि निंदनीय भी है। और ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट वाकई में चाहे पाकिस्तान के पक्ष में हो चाहे वो चीन के पक्ष में हो, अगर इस प्रकार से ट्वीट किए जाने कि 370 बहाली के लिए जब चीन प्रेशर करेगा, यानी कि चीन सैनिक हमारे सैनिकों को मारेंगे, पाकिस्तान के सैनिकों को हमारे सैनिकों को मारेंगे, तब जाके भारत सरकार प्रेशर में आएगी और 370 और 35 की बहाली करेगी। मतलब यह है कि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर ले, ये इनको क्या है, ये इनको कबूल है, लेकिन भारत 370 35 से ना खत्म करे ये कबूल नहीं है। जबकि 35 से और 370 आपको पता है कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत से अलग करता था, सिर्फ नाम का कश्मीर हमारे और आपके हिंदुस्तान में था, उसके रूल रेगुलेशन ऐसे थे जो कि भारत को कश्मीर को भारत से पूर्ण रूप से अलग करते थे, और ये राजनेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी कितने गंदे तरीके से यहाँ पर सेकते रहे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूँगा, अनुरोध करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।